बकरीपाल कबीरो, अज असी तुहाडे लई एक बहुत ही वधिया नेपियन ग्रास इंडोनेशिया दी ब्रीड जो कि बहुत वधिया हरा चारा है तुहाडे सामने लैके पहुंचे हाँ। ये मेरे वीरो तुसी देख रहे हो सामने तस्वीरां दे विच अपने मानकौंसला गोट फार्म दे विच लगाया गया है खेत दे विच। सो तुसी देख रहे होंगे बट्टां दे उपर लगाया होया है ते इंडोनेशिया दी ब्रीड है और नेपियन ग्रास जो कि बहुत ही वधिया चारा है। सो नाल आपां मक्की दा जिहड़ा तैयार खेत कर रहे हैं मक्की बीजन दे लई खेत तैयार किया जा रहा है। सो तुसी देख रहे होंगे नाल नाल इहदे वी हरा चारा बीज रहे हैं। सो काफ़ी समा गा मक्की बीजन दा वह भी अपने नाल कर रहे हैं। सो इस तरह तुसी बट्टां दे उपर इस नूं लगा सकदे हो तुहानूं तस्वीरां दे विच दिखाई दे रहा है। सो 3 फुट के लगभग इन्ना गैप होना चाहिए 1.5 से 3 फुट का। सो ये आपां बट्टां ते लाउणा इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ जिहड़ा बूटा गा ज़्यादा ग्रोथ करता गा। सो 3 फुट की जगह की चढ़ाई होनी चाहिए आप बूटे तो बूटा 3 फुट का होना चाहिए है। सो बट तो बट 3 फुट होना चाहिए है। दूसरे पासे आपां 1.5 फुट भी रख सकते हैं। सो इस तरह तुहानूं ये लगाया हुआ दिखाई दे रहा है। सो नाल जिहड़ा आपां मक्की बीज के लिए अपना बाण तैयार कर रहे हैं तुसी देख रहे हो ट्रैक्टर के द्वारा ताकि वह भी तैयार किया जा रहा है। मक्की बीजन का जो सीजन आ शुरू हैगा। सो इस तरह तुसी जो नेपियर ग्रास है बट्टा तो लगा सकते हो। सो तो तुहानू बिल्कुल नेड़ो नज़दीक करके दिखाई दे रहा है। सो फुट भी रहा है नाल गंढा दियाँ तो बहुत ही वधिया समा गा तुसी इस नेपियन ग्रास में लगा जिहदे विच कि 35% प्रोटीन इस चारे दे विच पाई गई है। सो बकरियां दे लई बहुत ही लाहेवंद है नेपियन ग्रास जिसके विच कि कंड भी बहुत घट है ते बकरियां इस नूं बहुत ही चा दे नाल खांदियां हन। सो तुसी भी इस नूं मेरे बकरी पालक वीर ने जिहड़े अपने खेत दे विच लगा सकदे होंगे नेपियन ग्रास नूं। ये ग्रीन कलर दे विच भी आउंदा है ते ये रेड कलर दे विच भी आ दो तरह का कलर दे विच पाया जाता है। सो तुसी जिहड़ा ग्रीन कलर दा कलर हैगा ये ते ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। सो ये देख रहे हो तुसी हुण ये लेटेस्ट वीडियो है सिर्फ थोड़े दिनों दे विच ही 1-2 दिनों दे विच ये आप लगाया गया है। सो तुसी देख रहे होंगे इस तरह तुसी इहनूं ढंग दे नाल बट्टां दे उपर बकरी पालक वीर है मेरे फार्म कर रहे ने वो लगा सकते हैं। सो इसलिए तुहानूं ऐसी वीडियो बनाई गई है ताकि नेपियन ग्रास जिहड़ा तुसी बट्टां दे उपर बना के बकरियां दे लई वधिया ढंग दे नाल उहनूं पाल सकदे हो ते हरे चारा जिहड़ा उहनां नूं काफ़ी वड्डी मात्रा दे विच मिलदा रहिंदा है। सो इस तरह तुसी बट्टां दे उपर बना के इस ग्रास नूं ला सकदे होगे नेपियन ग्रास नूं। सो सामने तुसी देख रहे होंगे कि जिहड़ा ट्रैक्टर दे द्वारा जमीन नूं बाह के मक्की दे लई तैयार किया जा रहा है। सो आपां यंत्र भी इस दे विच बीज रहे हांगे छिट रहे हांगे तां कि बकरियां नूं खुल्ला छड्ड के आपां जिहड़ा हुण वेले बाहन दे विच आपां वधिया ढंग दे नाल चरा सकदे हांगे। सो तुसीं वी इस तरह इहनां नूं चार सकदे होगे। सो सारे बकरी पालक वीर इस तरह तुसीं बाहन नूं तैयार करके वधिया ढंग दे नाल मक्की भी ला सकदे हो ते यंत्र भी ते नाल तुसीं जिहड़ा नेपियन ग्रास तुहानूं आपां दस्सिया है वह भी तुसीं नाल हरे चारे दे रूप दे विच बीज सकते हो ता कि बकरियां नूं कोई हरे चारे की कोई समस्या ना आवे वधिया ढंग दे नाल आपां उन्हां नूं खुली प्रणाली दे राहीं पाल सकते हैं। सो सारे मेरे वीर इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर करनगे अते देख के इस दे वल ध्यान देणगे कि किस तरह ढंग दे नाल आपां जिहड़ा नेपियन ग्रास हैगा लगाउणा है ते किस तरह वाहन तैयार करना है। सो सारे बकरी पालक वीर दे लई इह जिहड़ी वीडियो बहुत लाहेवंद साबित होवेगी। सो बकरी पालक वीरो तुसी इस नूं नेपियर ग्रास नूं वधिया ढंग दे नाल ला के और काफ़ी लंबे समें लई इस नूं यूज कर सकते हो वरतों च लिया सकते हो। सो सारे मेरे वीर नेपियन ग्रास जिहड़ा कि दो रंग दे विच आउंदा है ग्रीन और रेड दे विच सो तुसी बट्टां ते ला के इस नेपियन ग्रास नूं सो इह जिहड़ी ब्रीड हैगी इंडोनेशिया दी ब्रीड हैगी नेपियन ग्रास सो बहुत ही वधिया चारा गा सो तुसी ला सकते हो। सो सारे मेरे वीर इस घाह नूं ग्रास नूं ला के वधिया ढंग दे नाल खेत तैयार करके तुसी
ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨੇਪੀਅਨ ਗਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਕ ਵੀਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਕ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।